गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3, हिंदी व्याकरण का पार्ट 3, जिसका नाम है वर्ण। क्या पढ़ेंगे हम? वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है? तो वर्ण किसे कहते हैं? बोली जाने वाली ध्वनियों को जब संकेतों में लिखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ध्वनि किसे कहते हैं। हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज को ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि जब हम उनको ध्वनियों को लिखते हैं, जब उन ध्वनियों को हम लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कै, मैंने कै लिखा, मैंने बोला कै तो वो ध्वनि हो गई और मैंने उसको लिख दिया, मैंने उसको लिख दिया तो वो क्या हो गया? वर्ड हो गया, है ना? मैंने उसको लिख दिया तो वो क्या हो गया? वर्ड हो गया। बोली जाने वाली ध्वनियों को जब संकेतों में लिखते हैं तो उन्हें वर्ड कहते हैं। वर्णों के निश्चित वर्ण क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो निश्चित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह जो होता है, कै खै गै घै ड़ै चै छै जै जै, जो क्रमबद्ध समूह है उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है? वर्ण किसे कहते हैं? बोली जाने वाली ध्वनियों को जब संकेतों में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। कै को हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम और इसके कै के टुकड़े नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसको कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और क्रमबद्ध समूह को, निश्चित वर्ण क्रम समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है? क ख ग घ ण च छ ज, ये क्या है? ये वर्णमाला है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है? अब हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर एक क्या होता है? स्वर। और नंबर दो व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। स्वर वर्ण क्या होते हैं? निम्नलिखित स्वर वर्णों का उच्चारण कीजिए, जैसे ए, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ऋषि ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए। ए, आ, ए, ई, ओ, ऊ, रिर, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर हो गए हमारे, ठीक है? इनमें से किसी भी एक वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हमारे जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, ठीक है? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता लिए बिना किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता लिए बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। जैसे हमने लिखा ए, इसमें कोई और दूसरा वर्ण नहीं है, ठीक है? और मैंने लिख दिया कै, मैंने लिख दिया, इसमें दूसरा वर्ण है, इसमें दूसरा वर्ण है कै,
प्लस ए मिलकर के बना है ये पूरा। तो इसमें दूसरा वर्ण है लेकिन ए में दूसरा वर्ण नहीं है, समझ में आ गया। ए में दूसरा वर्ण नहीं है, के में दूसरा वर्ण है तो ये स्वर नहीं है। ऐसे लेकर ओ तक औ तक हमारे स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, ऐसे लेकर औ तक हमारे स्वर होते हैं। व्यंजन, निम्नलिखित व्यंजन वर्णों का उच्चारण कीजिए, जैसे क ख ग घ आदि, ये व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से वर्णों की ध्वनि के साथ साथ ए की ध्वनि भी निकलती है। जैसे मैंने बोला के, के के साथ ए की ध्वनि निकल रही है ना, के। मैंने अभी समझाया था आपको, जैसे ख लिखा है तो ख ख प्लस ए मिलकर ये ख बनेगा पूरा। इसके साथ स्वर आया है ए, आया है ना। दूसरा स्वर इसमें है सहायता, दूसरे स्वर की इसमें सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों के साधारण रूप में ए स्वर भी सम्मिलित रहता है, जैसे क ख ग घ ड़ च छ, है ना। जैसे पूरा हमने लिखा, आधा तो हमारा ऐसे हो गया, हलंत हमने लगा दिया सब में, तो ये आधा हो गया। इनमें ए स्वर मिश्र नहीं है, इनमें ए स्वर नहीं है, ठीक है। अगर हमने इनको लिखा पूरा क ख तो इनमें ए है, इनमें ए स्वर है, ठीक है। ये हमारे व्यंजन है। ए को निकालकर व्यंजन वर्णों को लिखने पर उनके नीचे हल चिन्ह, हलंत मैंने अभी बताया ना, हलंत का चिन्ह लग जाता है, तो समझ लो इनमें स्वर नहीं है, इनमें स्वर नहीं है। और अगर हलंत का चिन्ह हम हटा देते हैं तो समझो इनमें ए स्वर है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं, समझ में आ गया आपको। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मैंने अभी बताया था आपको क हलंत लगाकर, और इसमें ए को जब हम ऐड करेंगे तब ये पूरा क बनेगा, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग है, ये सब हैं व्यंजन। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 39 व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है, 39 होते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। क वर्ग, क ख ग घ ण, च वर्ग, च छ ज झ ङ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ म, ठीक है। और फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये यर ल व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं श स स ह, ठीक है। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। और फिर हमारे व्यंजन होते हैं इनके अलावा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? हमने है हल तक पढ़ा, वो सारे व्यंजन हो गए, ठीक है। आप हमारे कौन से बच्चे हैं? 6 क्षत्रिय, 3
गै और एक श्र, क्षेत्र गै और एक श्र, ठीक है। अब हमारा छह क्षत्रिय संयुक्त हम क्यों कहेंगे इनको, इनको हम संयुक्त कैसे कहेंगे, है ना। आप ये पूछोगे संयुक्त कैसे हुए ये, इसमें आधा कै और पूरा शय मिला हुआ है। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये आधा कै और पूरा शय से मिलकर बना है छह से क्षत्रिय। त्रय से त्रिशूल किससे मिलकर बना है, आधा तय और रय से मिलकर बना है, त्रय से त्रिशूल बना है, मिलकर बने हैं, दो वर्णों के मेल से बने हैं ये, इसलिए इनको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब जैसे ज्ञानी किसके मेल से बना है, जैसे ज्ञानी हमारा जय आधा जय प्लस अंगे के मेल से बना है गे। अब श्रेय, श्रेय किसके मेल से बना है, आधा शय और रे के मेल से बना है, ठीक है। श्रेय आधा शय और रे के मेल से बना है। अब हमारे बच्चे अंग और ए है, ये दो बचे हुए हैं हमारे, अंग और ए बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, हमारी वर्णमाला में ये भी होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम अयोगवाह कहेंगे। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह, अयोग वाह कहलाते हैं, अंग अंग और एह, ये क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, ये अयोग वाह कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और जो चंद्रबिंदु वाला होता है उसको हम अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक बोलेंगे उसको। और ए है, इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग, जैसे अतः है लिखते हैं, तो जैसे मैंने लिखा अतः, अत और हैसे हल नहीं बनाना, हमें हैसे हल नहीं बनाना, उसमें क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है, तो क्या बोलेंगे, अतः बोलेंगे, अतः उसमें है नहीं लिखना, उसमें हमें विसर्ग लगाना है, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक के लिए जैसे चांद, चंद बिंदु ऊपर लिखी है, तो ये क्या लगा हुआ है, ये अनुनासिक है, ठीक है। और जैसे अंग, जैसे रंग लिख दिया मैंने, ये क्या है, अनुस्वार है, ओके। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं, और दो अयोगवाह होते हैं, दो अयोगवाह होते हैं, एक अंग दूसरा अह, ये दो अयोगवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, कैसे होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, कैसे होंगे, 11 तो हमारे स्वर हो गए, 11 क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए,
ठीक है, प्लस 39 क्या हो गए, व्यंजन हो गए, 39 व्यंजन हो गए और 2 अयोगवाह हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, तो कितने हो गए 52 यानी 52 वर्ण, 52 यानी 52 वर्ण होते हैं।